जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। तो वीडियो का थंबनेल देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे भारत की उन एडवांस मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में जिनका विजन बादलों को भी चीर सकता है और जो इस देश की सुरक्षा में एक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज आपको ना केवल मिलिट्री सैटेलाइट से जुड़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी बल्कि इसके साथ आप 10 लाख रुपीस तक इनाम जीतने का मौका भी हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। और बाकी इस एपिसोड में जो भी अधिकतर फुटेज इस्तेमाल की गई है तो वो केवल रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है। तो ये तो आप सभी ने ही पढ़ा होगा कि सैटेलाइट्स दो तरह की होती है, एक नेचुरल और दूसरी आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा अपना चंदा मामा यानी कि मून, और वहीं जो दूसरा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो उसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि वो सैटेलाइट्स जो कि नेचुरली नहीं बनी है बल्कि उन्हें इंसानों द्वारा बनाया गया है। और ऑब्वियस बात है कि मिलिट्री सैटेलाइट भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं जिनका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए होता है। और मिलिट्री सैटेलाइट्स की जो सबसे कॉमन मिशंस होते हैं उनमें इंटेलिजेंस गैदरिंग, नेविगेशन और मिलिट्री कम्युनिकेशंस शामिल रहते हैं। और अभी जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी 500 से भी अधिक मिलिट्री और ड्यूअल यूज सैटेलाइट्स ऑर्बिट में घूम रही हैं। अब ड्यूअल यूज सैटेलाइट्स का मतलब हो गया कि जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों ही पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाए। और अभी जो ये 500 से भी अधिक मिलिट्री सैटेलाइट्स ऑर्बिट में घूम रही हैं तो उनमें आधे से ज्यादा यूएसए ओन करता है और जबकि बाकी के सैटेलाइट्स रशिया, चाइना, भारत इन देशों की है। और अगर आप इनमें से केवल डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स की बात करेंगे तो worldpopulationreview.com की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान समय में केवल यूएसए, रशिया और चाइना ही है जिनके पास 10 से अधिक डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। और एक बात यह भी है कि दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की मिलिट्री सैटेलाइट है। इन देशों में यूएसए, रशिया, चाइना, भारत, यूके, जर्मनी, इसराइल, फ्रांस ये सभी आते हैं। और फिर जो बाकी बचे अधिकतर वेस्टर्न कंट्रीज हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए यूएस के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी आज के इस मॉडर्न वॉरफेयर में इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से दुनिया भर की मिलिट्रीज अपने अपने राइवल्स पर दिन रात नजर बनाए रखती हैं। और भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसे कई सारे मौके आए हैं जब इन सैटेलाइट्स ने इस देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और अगर किसी रिसेंट इंसिडेंट की बात करें तो आप पूर्व लद्दाख में भारत चाइना के स्टैंड ऑफ ले सकते हैं। इस दौरान चीन की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। वहीं बालाकोट एयर स्ट्राइक, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन सभी ऑपरेशंस के दौरान भी लाइव फुटेज के लिए सैटेलाइट्स ने ही मदद करी थी। और आपको ये भी बता दें कि सैटेलाइट्स का इस्तेमाल केवल अपने खुद के काम के लिए नहीं होता है बल्कि इससे हम फ्रेंडली कंट्रीज को इन्फॉर्मेशन सेल करके रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप सैटेलाइट्स के बारे में या फिर इससे जुड़े बेनिफिट्स के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे इंडियाज स्पेस प्रोग्राम इसरो नाम की एक खास ऑडियो बुक। इस ऑडियो बुक से आपको ये भी जानने को मिलेगा कि भारत ने जो अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी तो उसको लॉन्च करने में हमें किस किस तरह की दिक्कतें आई थी, कैसे इसे लॉन्च किया गया, इस मिशन में किसका योगदान था और भारत का स्पेस प्रोग्राम जो आज के समय में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है, तो यहाँ तक पहुँचने का भारत का जो सफर है वो कैसा रहा है, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस इंडियाज स्पेस प्रोग्राम इसरो नाम की इस खास ऑडियो बुक से जो कि हिंदी में उपलब्ध है भारत के लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म कुकू FM पर। और कुकू FM पर मौजूद इस ऑडियो बुक का जो पहला पार्ट है वो हर किसी के लिए बिल्कुल फ्री है। और क्या हो अगर हम आपको ये कहें कि इस ऑडियो बुक के साथ आप 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट्स भी जीत सकते हैं जिसमें कार, गोल्ड कॉइन्स, वाउचर्स ये सभी शामिल हैं। तो आपको बता दें कि दिवाली के पावन अवसर पर कुकू FM पहली बार लेकर आए एक ऐसा खास ऑफर जिसमें अगर आप दिवाली 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करके इनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं तो उसमें तो आपको 50% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, लेकिन इसी के साथ आप इसके लकी ड्रॉ में भी शामिल हो सकते हैं जिसमें आपको मिलेगा 10 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का मौका। लेकिन ध्यान रहे ये जो खास ऑफर है ये केवल 25 अक्टूबर तक ही वैलिड रहेगा, यानी कि केवल 3 दिन बचे हैं इस ऑफर को हासिल करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये मौका आपके हाथ से ना जाए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुकू FM की मोबाइल एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद इसरो वाले इस खास ऑडियो बुक को सुनकर न केवल इसरो और सैटेलाइट से जुड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं बल्कि साथ ही इसके लकी ड्रॉ में शामिल होकर 10 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का मौका भी हासिल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कूपन कोड है दिवाली 50, तो कुकू FM के साथ बनाएं ये दिवाली कामयाबी वाली। तो चलिए बात करते हैं भारत की उन खास मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में जो कि अपनी एडवांस कैपेबिलिटीज के साथ इस देश की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है कार्टोसैट 2A जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और एक कार्टोसैट सीरीज की तीसरी सैटेलाइट है जिसे 28 अप्रैल 2008 में लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट में पेनक्रोमेटिक कैमरा लगाया गया है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स को क्लिक करता है। और आप इसे भारत की पहली डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें फंडिंग भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई थी और ये इसरो द्वारा विकसित और लॉन्च की गई 13वें नंबर की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है।
और इस सैटेलाइट के ऑपरेटर है भारत की टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी NTRO, यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डायरेक्टली NSA के अंडर काम करती है। और इस कार्टोसैट 2A सैटेलाइट को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसे मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले मिसाइल लॉन्चेस को मॉनिटर करने के उद्देश्य के साथ विकसित किया गया है। और एशिया रीजन में जापान के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बना जिसके पास मिसाइल लॉन्चेस को मॉनिटर करने वाली इस तरह की अत्याधुनिक कैपेबिलिटी है। और इसके द्वारा कैप्चर की गई इमेजेस का इस्तेमाल कई सारे कार्टोग्राफिक एप्लीकेशंस में भी किया जाता है, जैसे कि जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए, लैंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए, ये सब चीजें। और इस सैटेलाइट को जब लॉन्च किया गया था तो इसके साथ 87 किलोग्राम के एक इंडियन मिनी सैटेलाइट IMS-1 को भी लॉन्च किया गया था, जो कि एरोस्पेस कमांड को स्थापित करने वाले प्रोसेस के हिस्से के तौर पर इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक डेडिकेटेड सैटेलाइट की तरह काम करती है। और यह सैटेलाइट इतनी एजाइल है कि किसी भी क्षेत्र की इमेजिंग को फैसिलिटेट करने के लिए इसे ट्रैक के अंदर या बाहर 45 डिग्री तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरा नाम है कार्टोसैट 2B सैटेलाइट का, जिसे 12 जुलाई 2010 में लॉन्च किया गया था। और इसके भी ऑपरेटर NTRO है और कार्टोसैट सीरीज में ये चौथी सैटेलाइट है। और ये और भी अधिक वेरी हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस को कैप्चर करने में सक्षम है। और कार्टोसैट 2A के बाद ये भारत की दूसरी डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट है। इसके बाद इस लिस्ट का अगला नाम है GSAT-7, जिसे INSAT 4F के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मल्टी बैंड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि इसरो के कंट्रोल में रहती है। और इस सैटेलाइट को रुक्मणी का नाम भी दिया गया है। वैसे तो ये सैटेलाइट इंडियन आर्म फोर्सेस की सभी डिविजन्स के लिए है, लेकिन इसके प्राइमरी यूजर में इंडियन नेवी आती है। और ये सैटेलाइट कई सारे इंडियन नेवल एसेट्स को नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है। और इसकी कैपेबिलिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2014 में जब बे ऑफ बंगाल में एक थिएटर लेवल रेडीनेस और ऑपरेशन एक्सरसाइज ट्रोपेक्स को आयोजित किया गया था, तो इस दौरान इसी रुक्मणी सैटेलाइट ने करीब 60 शिप्स और 75 एयरक्राफ्ट को सीमलेसली नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करी थी। और इंडियन ओशन रीजन में 2000 नॉटिकल माइल्स यानी कि 3704 किलोमीटर तक के एरिया को ये कवर करती है। और कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि सैटेलाइट की कैपेबिलिटी इतनी है कि ये इंडियन नेवी की ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि सैटेलाइट की वजह से हमें कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए ब्रिटेन की इनमारसैट जैसी फॉरेन सैटेलाइट्स पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए भारत की नेवल कैपेबिलिटीज के हिसाब से एक बेहद ही महत्वपूर्ण सैटेलाइट है, जो कि काफी महत्वपूर्ण तरीके से पूरी दुनिया भर में भारत के नेवल ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने में अपना योगदान देगी। और नेवी की वॉरशिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, लैंड सिस्टम्स, तो इन सभी में एक रियल टाइम और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम है GSAT-7A का। जिस तरीके से GSAT-7 खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए है, तो उसी तरीके से GSAT-7A को खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। और GSAT-7 की तरह यह भी एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, हालांकि सैटेलाइट की करीब 30% कैपेसिटी इंडियन आर्मी भी इस्तेमाल करती है। और इस GSAT-7A सैटेलाइट को एंग्री बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो GSAT-7A है, इसे लॉन्च किया गया था 19 दिसंबर 2018 में और ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के ही कंट्रोल में रहती है। और इस सैटेलाइट का फायदा यह है कि इससे इंडियन एयरफोर्स के जो मौजूदा और भविष्य के जो सैटेलाइट कंट्रोल UAVs जैसे प्लेटफॉर्म्स होंगे, तो उनके ऑपरेशन रेंज और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। और इतना ही नहीं, बल्कि किसी मिशन के दौरान एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ ये जो सैटेलाइट है, ये कंट्रोल स्टेशन को कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी लिंक प्रोवाइड कर सकती है, जिससे भारत की जो अटैक कैपेबिलिटीज हैं वो काफी हद तक इम्प्रूव होंगी। और आपको ये भी बता दें कि इंडियन नेवी के जो UAVs हैं, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए GSAT-7 ये सहायता देती है, ताकि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के ऊपर से निर्भरता को कम से कम रखा जाए। इसके बाद इस लिस्ट का अगला नाम है रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, यानी कि RESAT-2B, जो कि एक रेडार रिकॉनसेंस सैटेलाइट है। और इसे 22 मई 2019 में RESAT-2 सैटेलाइट को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च किया गया था। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि RESAT-2 भारत की पहली सैटेलाइट थी जिसमें सिंथेटिक एपरेचर रडार का इस्तेमाल किया गया था, और जिस वजह से वो दिन और रात और किसी भी वेदर कंडीशन में मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी रखती थी। और RESAT-2B सैटेलाइट में भी ये सारी खूबियां हैं, लेकिन इसके मेन सेंसर में जो सिंथेटिक एपरेचर रडार इस्तेमाल हुई है, तो वो भारत में स्वदेशी तौर पर ही विकसित की गई है। और RESAT-2 के कंपैरिजन में ये अलग अलग मोड्स में ऑपरेट कर सकती है, इंक्लूडिंग वेरी हाई रेजोल्यूशन रडार इमेजिंग मोड, और आप इसे भारत की एक नई और एडवांस स्पाई सैटेलाइट कह सकते हैं। और बाकी ये एक डुअल यूज सैटेलाइट है, जिसका इस्तेमाल मिलिट्री और सिविलियन दोनों ही सेक्टर्स के लिए होगा, लेकिन इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो मिलिट्री सर्विलियंस ही है। और इंडियन मिलिट्री इसकी मदद से सीमा पार मौजूद आतंकी कैंपों की गतिविधियों को मॉनिटर करने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि इससे पहले वाली जो RESAT-2 सैटेलाइट थी, तो उसे भी काफी सक्रिय रूप से इसी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इस सबके अलावा इसका इस्तेमाल समुद्र में हॉस्टाइल शिप्स को ट्रैक करने के लिए भी किया जा सकता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि ये ऑल वेदर कैपेबिलिटी वाली सैटेलाइट है, तो इसका मतलब यह है कि चाहे मौसम साफ हो या ना हो, दिन हो या रात हो, यह सैटेलाइट हर स्थिति में निगरानी रखने में सक्षम है। इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम है कार्टोसैट 3 का, जो कि इसरो द्वारा 27 नवंबर 2019 में लॉन्च की गई थर्ड जनरेशन की हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट है। और ये एक डुअल यूज सैटेलाइट है, जिसका इस्तेमाल डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस के अलावा वेदर मैपिंग और कार्टोग्राफी के लिए भी किया जाता है।
और कार्टोसैट सीरीज की पहली सैटेलाइट्स के कंपैरिजन में इसमें कहीं ज्यादा इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। और कहा जाता है कि इस कार्टोसैट 3 सैटेलाइट का कैमरा इतना एडवांस है कि ये 500 किलोमीटर की ऊंचाई से भी जमीन पर मौजूद केवल 25 सेंटीमीटर जितने छोटे साइज के ऑब्जेक्ट को भी बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। और एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इसरो ने इसकी जो पिक्चर्स पब्लिक डोमेन में रिलीज करी थी तो वो असल में लो रेजोल्यूशन वाली थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा डिफाइंड थी। और इसलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसरो ने सैटेलाइट के बारे में जो दिखाया है तो वो इस सैटेलाइट की एक्चुअल कैपेबिलिटी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। और इस कार्टोसैट 3 की एक सबसे खास बात यह भी है कि ये पूरी दुनिया में अभी तक की सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट है। और इसलिए इस सैटेलाइट को आसमान पर मौजूद इंडियन मिलिट्री की तीसरी आंख की तरह भी देखा जाता है। इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम है एमीसैट सैटेलाइट का, और ये एक ऐसी सैटेलाइट है जिसे प्रोजेक्ट कौटिल्य के तहत डीआरडीओ के अंडर में बनाया गया है। और ये एक रिकॉनसेंस सैटेलाइट है जिसे 1 अप्रैल 2019 में लॉन्च किया गया था, और जिसे कि इसके नाम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट। तो ऑब्वियस बात है इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस को हासिल करने में किया जाता है। ये सैटेलाइट टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी एनटीआरओ के अंडर में आती है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वाला पेलोड इस्तेमाल किया गया है तो उसे डीआरडीओ की ही लैबोरेटरी डीएलआरएल ने विकसित किया है। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि दुश्मन की रडार्स के इन्फॉर्मेशन और लोकेशन को प्रोवाइड करने में सक्षम है, और इंडियन आर्म फोर्सेस की सिचुएशनल अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के उद्देश्य के साथ बनाई गई थी। और बाकी कौटिल्य प्रोग्राम के तहत विकसित की गई सैटेलाइट की कैपेबिलिटीज किस लेवल की हैं तो उनको पूरी तरीके से हाईली क्लासिफाइड रखा गया है। और इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज को और भी इम्प्रूव करने के लिए इसरो द्वारा और भी अधिक मिलिट्री सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की योजना बनाई गई है, जिसमें GSAT-7R, GSAT-32, GSAT-7C, INSAT-3DS, GSAT-2 और GSAT-7B, तो इस तरह के सैटेलाइट्स शामिल हैं। और ये सारी रिकॉनसेंस, कम्युनिकेशन, सर्विलियंस, तो इस तरह की अलग अलग भूमिकाओं में इस्तेमाल होंगी। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। उम्मीद है आपको आज के एपिसोड से काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कुकू एफएम मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद ढेर सारी ऑडियो बुक से ढेर सारा ज्ञान लेने के साथ साथ इनके लकी ड्रॉ में शामिल होकर 10 लाख रुपीज तक की इनाम जीतने का मौका भी पाएं। और दो बातें ध्यान रहे, पहली ये कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है दिवाली50, और दूसरा ये कि जो एक खास दिवाली ऑफर चल रहा है तो ये केवल 25 अक्टूबर तक ही वैलिड रहेगा, यानी कि अब केवल 3 ही दिन बचे हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।